अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज मैं बना रही हूँ आलू और मेथी का सालन, जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो आलू और यह है तकरीबन आधा किलो मेथी, और मिसालों में एक दरमियानी साइज़ का प्याज है और एक दरमियानी साइज़ का टमाटर है, और ये मैंने ले लिए हैं एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, आधा कप ऑयल लेना है। और ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डालूंगी। प्याज गोल्डन फ्राई कर लें। मेथी का मौसम है इसलिए आग नहीं बना रही हूँ, सर्दी में अच्छी होती है, सब गर्म होता है, शायद बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। इसके फ़ायदों के बारे में पता चल जाए ना इंसान को तो बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब ये महंगी हो जाए, फ़ायदे बहुत हैं लेकिन मतलब इतना समझ नहीं आना किसी को इसके फायदों के बारे में। प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन को मैं ज़्यादा प्यार नहीं करती किसी खाने में, फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादा फ्राई करो फायदे कम हो जाते हैं, इसलिए अब ये बाकी खुश मसाले भी डाल दिए। आंच को दरमियाना रखना और टमाटर भी, उसके बाद आलू डालूंगी। थोड़ी देर इनको फ्राई कर लेंगे, इसके अंदर अब आ गई मेथी की बारी, अब इसमें मेथी डालेंगे। मेथी के बारे में हदीस भी है, अगर लोगों को पता चल जाए इसका मसूम हदीस का मसूम सुना रही हूँ, लोगों को पता चल जाए इसके फ़ायदों के बारे में तो यह सोने की कीमत देखनी शुरू हो जाए, इतने ज़्यादा इसके फायदे। तो अपने खानों में इस्तेमाल करनी चाहिए, कई खानों की पकड़ के लिए भी इस्तेमाल होती है। आँच को थोड़ा सा और मैं कम कर देती हूँ,
थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन के बगैर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। कभी कभी हम इस तरह करते हैं तो बर्तन जो है ना इधर से खराब हो जाता है, तो चम्मच को अगर साफ करना हो तो हाथ इस तरह नीचे रखते हैं, तो ऐसे करें। ढक्कन लगा कर आंच को थोड़ा सा और भी आहिस्ता कर देना, दस मिनट तक। फिर मैं इसको देखती हूँ, दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक करती हूँ। तकरीबन पाँच मिनट और लगेंगे, तो ढक्कन लगा देती हूँ, आंच थोड़ी सी और भी आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए करें। साग तकरीबन पक चुका है, बस थोड़ा सा पानी और भी खुश करना है इसका। थोड़ी सी इसकी आँच तेज कर देती हूँ। हाँ जी, बस तैयार हो गया। अब मैं इसको प्लेट में डालती हूँ। साग पक के तैयार हो चुका है। Thank you.